साधु होना चाहिए पक्का होई कर खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खली भया नहीं खेल। साधु बनो पक्के बनो, और साधु बनने में सुख बहुत है। जब से हम साधु बने हैं ना तो कोई ख्यातम कुछ हम गए नहे कहूँ, और ना संतरा सेव संतरा खरीदन है, सब भक्त लोग ले आते हैं, जो भी एक दो खाना खा लो, अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-20 ट्रक फल तो बट चुका है हमारे शरण में, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 करोड़ लोग भोजन भंडारा खा चुके हैं, अब ज़्यादा ही खाई नहीं, कम हम बता रहे हैं। हाँ, संत बनने से त्याग में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और संत लाइन में सुख बहुत है। और संत लाइन का मतलब क्या है? नशा व्यसन से मुक्त, आदतों से मुक्त, बस सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत सुख है, कोई आदत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी जिद नहीं है कि मतलब दाल रोज मिले ही चाहिए, हाँ कुछ नहीं, अरे वो सब्जी से काम चल जाए, और यह जिद नहीं कि सब्जी नहीं मिलेगी चाहिए, दाल ही से काम चल जाए, और दाल सब्जी दोनों ने मिले तो नमक वह हम पानी डायरेक्ट तनी बनाए पतला और रोटी से बोरी खा लो। संतोष, अब जिसको संतोष नहीं वो संत कैसे बनेगा? संतोष होना चाहिए। ये तो बहुत छोटी बात है आज के युग में, सबका कल्याण चाहो, प्रसन्न रहो, संतोष रखो, सहन शक्ति रखो, सबको ज्ञान दो, आत्म ज्ञान में रहो, मैं जन्म और विनाशी आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा का रूप है, बस ये समझ करके प्रसन्न हो करके जीवन जियो। संत लाइन बहुत सरल है, बहुत सुख शांति ही इसमें, गृहस्थी बहुत कठिन है, और गृहस्थी में बहुत जंजाल भी है, और गृहस्थी में बहुत ज़्यादा है, वो तो जो लोग करीन है, तुम लोग करे हो तो सब जानत हो, खाली जो लोग करीन है वो मरीन ना ही, बाकी सब दशा हो गई। हाँ बहुत है खतरनाक, ये तो जो संत बनेगा वो इसका सुख पाएगा ना, इसमें कोई कठिनाई, मेरे को तो कठिनाई नहीं लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सरल है। सभी माताओं बहनों में माँ बहन का दर्शन कीजिए, सब पुरुषों में भाई का रूप देखिए, पिता का रूप देखिए, सबका कल्याण करिए, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे जो कोई आए, चाहे जिस देश में हो, हम बहुत से प्रदेशों में जाते हैं, सब जगह हमको ऐसे ही लगता है, हमें लगता है यूपी जैसा सब जगह, भाषा बदले चाहे जौन बदले, प्रेम सब वही है, और न जाने का हमारा तालमेल फट से बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत सरल हिंदी बोलता हूँ, और जहाँ ज़्यादा इंग्लिश चलती थोड़ी इंग्लिश भी बोल देता हूँ, गुजरात में गुजराती बोल देता हूँ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोल देता हूँ, मौला तोला अलवा जलवा थोड़ी बोल देता हूँ, और सरल हिंदी में बात करता हूँ। अब भाषा तुम कम बोल पाओ तो भी चलेगा, मेन है तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करो, प्रेम से बोल दो, और बस आप ढंग से रहो, उतने में सब हो जाएगा, ज़्यादा कोई बोले की जरूरत नहीं, लोग पहचान लेते हैं ऐसे ही, बहुत आनंद है। हमारे गोवा में एक भक्त हैं, बहुत लोग हैं लेकिन एक की बात करता हूँ, रामचंद्र नाम उनका, कह रहे थे गुरु जी गोवा की भाषा अलग है लेकिन आपकी भाषा हम पूरी समझित हैं, अब गोवा के हम आपके पक्के भक्त हैं, गुरु मंत्र भी ले लिए हैं, गोवा में हम सत्संग कराने की हमारी इरादा है, बहुत बड़ा सत्संग हो, लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा, तो खर्चा हमने कमाया भी बहुत है,
खर्चा करने के लिए कमाया हूँ, आपके सत्संग के लिए बहुत मेहनत करके कमाया हूँ, मैं अलग से कमाया हूँ, हो जाएगा। वास्तव में कुछ स्वार्थ के लिए भी कमाओ, कुछ परमार्थ के लिए भी कमाओ। और कितने लोग स्वार्थ के लिए ही नहीं कमा पाते, अपने बेटा बेटी का ही इंतजाम नहीं कर पाते हैं, घर बखरी नहीं बनाई पाते हैं, ना तो कपड़ा सही सलामत करो। आपका स्वार्थ भी ठीक ठाक चलना चाहिए, परमार्थ भी बनना चाहिए। मेहनत करो, उन्नति करो, धनवान बनो, महान बनो। तो ध्रुव की कहानी बहुत अच्छी है। ध्रुव के पिताजी कहते हैं लौट चलो, तो ध्रुव ने जिद करके कहा क्या, जब लग हरि के दर्श न पइहौं तब लग जग में मुख न देखइहौं। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में एक संत जी हैं, तो उनके पिताजी उनको लेने आए, वो बोले हम नहीं जाएंगे। तो पिताजी बोले जमीन से नाव तुम्हार कटवाए दी वैसे, फिर बस तब तो बहुत इच्छा। तो महात्मा जी बोले और कहें दोबारा आई है तो तुमका अंदर घुसे न दी घर में, कहें बस यहाँ तो हम चाहते ही। बहुत मजेदार है, छोटा है, नया है, अभी एक महीना ही हुआ हमारे पास। तो इसका भाई उठा और उसको पकड़ कर घसीटा कि चले परी तुमका, कहा देखो भाई हो, लपटी लुपटा मत करो, ढकेले दूर बैठ जाए, छुयो ना। तो उसका बाप कहला पछताई है, वो कौड़ी न मिली हुआ, जौन लड़का घर बचे उन्हें नाव सब कर दी जमीन जगह प्रॉपर्टी। कहें बस यहाँ हम चाहते ही नहीं कि हमें कौड़ी न मिले, हमका तो ऐसे गुरु जी मिल गए, यहाँ करोड़न मिल गए, वो कौड़ी कौन काम। वो महात्मा उधर बैठे या जा। और जब वो लोग घर वापस लौट गए तो ये हमसे बोला अरे बच गए, आज बच गए, ने पकड़ लिया। बहुत खुश है, बहुत खुश हुआ। खल के बोला जैसे कोई शेर से बच जाए। बोले बच गिन कैसे बच गिन, बहुत गुरुदेव बचा लिए उन्हें, आज लग जाती। आज मैंने उससे पूछा अगर तुमको ले जाते तो फिर आ पाते कि नहीं पाते, कह रहे फिर आए ना पौते गुरुदेव, बहुत मुश्किल में डाल देते वो लोग। सही बात। वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो वही उनका हाल है कि जब लग हरि के दर्श न पई हो तब लग जग में मुख न दिखई हो। मंत्री नृप सब कही कही हारे, हट करी कहे ध्रुव बनाई सिधारे। मंत्री और राजा सब कह कह करके हार गए, लेकिन ध्रुव नहीं माने। ध्रुव ने जवाब दिया अपने पिता को क्या, जब जगत के पिता का सहारा लिया तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। दो पिता हैं, पिता और परम पिता और जगत पिता। जब जगत के पिता का सहारा लिया, जब जगत के पिता का सहारा लिया तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। वही पालन करे, वही ले गोद में, वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता। जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, जाओ जाओ, जाइए पिताजी जाइए, लौट जाइए आप, मेरी चिंता तुम्हें क्यों पड़ी हुई है। जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता। नाम बेटा रहा आज से आपका, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता।
राजा उत्तान बांध रोने लगे। रोने कहा, जब मैं रो रहा था तब तुम चुप बैठे थे, हंस रहे थे। जब छोटी रानी ने मुझको आपकी गोद से निकालकर घसीटकर बाहर कर दिया था तब आपको चेत क्यों नहीं आया था? अब मैं हंस रहा हूँ, भक्ति करने जा रहा हूँ और तुम रो रहे हो मेरे मोह में। मत रो पिताजी, जाइए आप राजपाट संभालिए। इतना कह करके ध्रुव चले गए। जब ध्रुव गए तो देखो, आदमी जो भक्ति भजन के मार्ग में जाता है तो उसको रास्ते में सबसे पहले कौन मिलता है? नारद जी मिलते हैं। नारद जी वही रास्ता बताते हैं, कैसे भक्ति होगी, कैसे भजन होगा, राह सिखाते नारद। और नारद कौन है? नारद कौन है? ब्रह्मचारी संत, माल ब्रह्मचारी संत नारद है। जो ब्रह्मचारी है वही आपको रास्ता सही बताएगा। नारद जी रास्ता मिल गए। मिले ध्रुवे नारद मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। नारद जी रास्ते में मिल गए और पूछने लगे, कहाँ से आए हो बच्चे और कहाँ जाओगे? देखिए, आप कहीं दुनिया में भटक जाओ, कोई ना कोई दुनिया के अंदर तुम्हें संत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं सहारा ना मिले आपको तो वो सहारा आपको दे देगा। मार्ग ध्रुव ही मिले मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। जननी जनक को कित तो ग्रामा, हे सुत कहो तुम्हार क्या नामा। कौन माँ है, कौन बाप है, कौन तेरा गांव है, तेरा नाम क्या है, एड्रेस बता, कहाँ जा रहा है बच्चे? तो ध्रुव ने कहा, बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। हमारे माता पिता भगवान हैं मुरारी, और वही हमारे सखा हैं, वही हमारे भाई हैं, और हमारा कोई नहीं। ऐसा वो एड्रेस बताइस। बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। और सोई कुल जाति कुटुंब परिवारा, सब जीवन को सिर जनहारा। वही हमारी कुल है भगवान है, हमारा कुल है भगवान है, हमारी जाति है भगवान है, हमारा परिवार है, और हमारा कोई नहीं है, वही हमें पालन पोषण करे वाले, हमारे से वही फैमिली। ध्रुव की बात को सुन करके नारद जी थोड़ा चौकन्ने हो गए कि ऐसा उत्तर दे रहा है। लग ऐसे पितई न जानई, तब लग झूठ साँच करी मानई। बोले जब तक ऐसे हमारे मुरारी भगवान पिताजी से दर्शन नहीं होंगे ना, तब तक हमका तो लगत है या तब वही है नहीं और हई तो मिलत कह नहीं, दर्शन हो चाहिए। जग महज ही विधि बद सब को, तुम ते कही समझाऊं सो। संसार में जिस तरह से हमारा परिवार है उसका उत्तर दे रहा हूँ। नृप उत्तान पाद पितुआई, माता उभय नाम ध्रुव कहाई। जगत की दृष्टि से मेरे पिता राजा उत्तान पाद हैं और मेरा नाम ध्रुव है। पिता गोद लख दूसरी माता, दिहिस उतारी कहिस कटुबाता। पिता की गोद में मुझको दूसरी माता ने देखा, उतार दिया और कड़ी कड़ी बातें मुझसे कहा। रोवत जननी पह गयो, तेहि मोहि दीन हूँ ज्ञान। हे सुत सुख सपने नहीं, बिना भजे भगवान। मैं रोते रोते अपनी माँ पास गया। माँ ने कहा कि बेटा, भगवान के भजन के बिना संसार में स्वप्न में सुख नहीं है, इसलिए मैं भगवान का भजन करने के लिए निकला। तब मैं बन को चलो रिसाई, सचिवन कहा भूपते जाई। तब हमरे थोड़ी गुस्सा भी आ गई। ध्रुव बोले, रिसाई गेन हम छोट रहन, तो हम बन को चले आए भजन करें कि अब हमारे कोई नहीं है, भगवान नहीं है, बस चलो उन्हें के नाम पर रहेंगे। राजा बहु तब लोभ दिखायो, और सब तजी हूँ हरि शरण तकायो। राजा ने हमको बहुत लोभ दिखाया कि सब राजपाट ले लो, भजन करने मत जाओ, पर मैं माना नहीं।
तुमको हो निज नाम बखानो, मैं बालक नहीं ऐसे जानो। आप कौन है महात्मा जी, अपना नाम बताओ। हम बच्चे हैं, हम जानते नहीं तुम कौन हो, आप बताइए अपना एड्रेस। तो नारद जी बोले, कहे नृसि नारद नाम हमारा, गो दोहन बिचरो संसारा। हे बेटे, मेरा नाम नारद है और गाय जब तक लोग दोहते हैं उतना ही टाइम मैं एक जगह रुकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, चल देता हूँ। अब तुम लोग सोचोगे गुरु जी यहाँ 13 दिन से रुके, इनको नारद बनक चाहिए। हम नारद थोड़े हैं, हम असंग हैं, नारद के बराबरी नहीं करते हम। नारद होते तो लेके चिकारा चल देते हमने, हमारा मामला दूसरा है। हाँ, नारद की बराबरी थोड़े करेंगे, कहानी सुनेंगे। गोदोहन बिचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। बोले गाय दुहम जत्ता टाइम लगत है, अब 3 देर हम एक जगह रुकित है, अब बाकी हम आगे बढ़ जाए थे। कमाल है, नारद जी बहुत ज़्यादा रुकते नहीं थे कहीं। क्यों नहीं रुकत रहे? क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, तुम ज़्यादा न रुको, क्योंकि एक जगह ज़्यादा रुके रहें तो गड़बड़ हो जाता। राजा शील निधि के राज्य में गए थे नारद जी, तो वहां पर क्या हुआ, राजा शील निधि की कन्या का नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी नाम था। तो विश्वमोहिनी का हाथ देखे रेखा, तो रेखा में लिखा था कि इस लड़की की शादी त्रिलोकी नाथ के साथ होगी। तब नारद जी सोचिन, जो त्रिलोकी नाथ होगा उसके साथ शादी होगी। तो नारद जी अर्थ ही लगा लेन, अगर हमारे साथ शादी हो जाए तो हम त्रिलोकी नाथ बन जाए। तो महात्मा आदमी, तुम यार ब्रह्मचारी आदमी, यू का सोचते थे, सोचे कि नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन सोच बदल गवा, कुसंगत पड़ गए और ज़्यादा रुक गए, दिमाग चेंज होएगा। तो नारद जी वहाँ से उठे, भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के भगत ज़्यादा थे वो। भगवान से कहा सुंदर रूप दीजिए। तो भगवान कहें क्या करोगे, कहें राजा शीलिंधि की कन्या है विश्वमोहिनी, उसको विवाहित करूँगा। तो विष्णु भगवान हंसे, बोले साधु बने हो ब्रह्मचारी हो, ब्याह करी हो। अरे कहें रूप दे दो तुम, फादिल ना बतला। तो भगवान तो भगवान ने कहा कि जिस जही विधि होए हित नारद तेरा, असोई रूप मैं दे हूं मेरा। जाओ जिस तरह तुम्हारे हित होई वह रूप तुमका सुंदर दे देवे, जाओ सुंदर हो गयो जाओ। नारद जी आए, वो समझे हमका भगवान रूप धीन, तुम बहुत सुंदर हो, और उनका चेहरा बंदर क्यार बना दिया ताकि उनका मुंह देखे कोई लड़की ब्याह करबे न करे। अब जब स्वयंवर रचा गया राजा शील निधि के यहाँ, कन्या जयमाला लेकर आई, तो नारद जी बैठे थे वहां पर, शिव के दूत बैठे थे, शिवगण बैठे थे, विष्णु भगवान के दूत बैठे थे। अब ये नारद जी बार बार लंबी गर्दन करें ऊंची कि यह कन्या हमें देख नहीं पाई, इसका बात इधर कहने आवर। नारद जी ये बहुत देखो आदमी बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाए पता नहीं। तो कन्या जो है गई, तो विष्णु भगवान भी उसमें पहुंचे, उस स्वयंवर में विष्णु भगवान के गले में माला, क्योंकि त्रिलोकी नाथ को उसको विवाह होना था, उनके गले में माला डाल दी। विष्णु भगवान उसको विवाह करके ले आए। तो नारद जी सोचे हम इतना सुंदर रूप भगवान से मांग कर लाए थे, हमका माला नहीं पहरे से यू विष्णु भगवान ये फिर काहे शादी कर ली दोबारा, इनके तरह तो एक रहा लक्ष्मी दोसर ले जाते, हमारे तरह तो एक नहीं। बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बहुत रास्ते में गाली देते हुए गए। देखिए जिन भगवान का ध्यान करते थे, जिनका जप करते थे, जिनके लिए तप करते थे, बुद्धि भ्रष्ट हुई, वासना जागृत हो गई, अब उन्हीं भगवान को गाली दे रहे। डहा के तुम पर क्यों काहू, भले घर न तुम बायन दीन्हा, पई हो फल आपन तुम कीन्हा। नारद जी बोले अरे बहुत लोगन के हाँ तुम ठगे हो विष्णु भगवान, अब हमका हमसे तुम्हारा पाला पड़ा, देखो तुम्हें हम सुधारी बोल।
बहुत गुस्सम चले हुआ से। तो शिव दूतों ने कहा तनी मुंह देख ले जाए, शीशा ना हो तो मैं देख लो पानी में। तो मुंह देखे नो बंदर क्या, तो बहुत ही गुस्सा बढ़ गया कि देखो हमारे साथ भगवानों धोखा कर दी। तो गुस्सा में विष्णु भगवान के दरबार में जा रहे थे, तो विष्णु भगवान रास्ते में मिल गए। विष्णु भगवान ने सोचा ये दरबार अब पहुंची, वहाँ बहुत भगत लोग बैठ, वहाँ हुड़दंग मचाई दी फालतू, तो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि रास्ते में मिल लो जब तक गरियाव खोई, गरिया लिए अकेले में कोई बात नहीं। तो रास्ते में रोक दे भगवान, कहीं रुको नारद जी मिलन होगा। बोले भगवान यूं बताओ, तुम्हारे पास एक लक्ष्मी जी थी, अब एक ये शादी हम कर लेते तो कौन बुराई है। तुम योग ले जा रहे हो, दोनों बताओ का करी। तो विष्णु भगवान ने कहा अरे आप संत हैं महात्मा जी, आपकी बुद्धि कहाँ फेल हो रही है। हम तो भगवान हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन आप संत हैं, आपका दर्जा हमसे भी ऊंचा है, आप कैसे ये सोचने लगे। तब फिर ज्ञान दिया भगवान ने इनको, काम क्रोध लोभादि मदे प्रबल मोह की धार, तहि मायति दारुण दुखद माया रूपी नार। अरे ये तुम कहाँ चक्कर में फंसोगे बाबा जी। नारद जी को ज्ञान हो गया, अरे भगवान ने हमको, भगवान ने कहा तुझको बचाने के लिए हमको दूसरा विवाह करना पड़ता, नहीं तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो तू वहाँ जबरदस्ती गड़बड़ मचाता कुछ, इसलिए मेरे को तेरे को बचाने के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा। हमें जरूरत नहीं थी, हम संयम नियम से हैं, लेकिन मेरा भक्त मेरा शिष्य ब्रह्मचारी कोई बिरले बनता है और वो भी अगर भ्रष्ट हो जाए तो ये जगत को कैसे कौन संभालेगा, इस कुदरत को। ब्रह्मचर्य का तप सबसे बड़ा तप है। नारद तुम जाओ तपस्या करो, एक जगह ज्यादा मत रुकना। तब से नारद जी तप करने लगे, एक जगह ज्यादा नहीं रुकते थे। फिर हाथ वाथ देखना सब बंद कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। हम लोगों का नियम भी रहता, जैसे मैं यहां रहता हूं, यहां माताओं बहनों के लिए रहना मना है, उधर हनुमान जी मंदिर वाले में रहे। मोबाइल में बता देते हैं यहाँ रात कोई नहीं सोने की जगह है, दूसरी जगह सोना पड़ेगा, बोलते ठीक है। सब कहते गुरु जी का नियम अच्छा है, क्योंकि देखिए शुद्ध ब्रह्मचारी संत का मिलना कठिन है। आपका सौभाग्य है जो हम इस नियम के अंतर्गत पक्के चल रहे हैं, तो हमको दूरी बना के रहना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, विचार से रहना चाहिए। जैसे महिलाएं रोटी सेकती हैं तो चिमटा से सेकती हैं कि चूल्हे में हाथ डाल देती हैं, बोलो चिमटा से, काहे के लिए कि हाथ जर ना जाए। अब चिमटा अगर अलग फेंक दे हाथ ही घुसेड़ दे तो जर जाए, 10 दिन फपोला पड़े रहे, रोटी का सेक। ऐसे ही जगत के जीवों का कल्याण तो हमको करना है, लेकिन चिमटा लेकर, कौन चिमटा, संयम नियम का चिमटा लेकर के सब नर नारियों का कल्याण करना है, अपने को भी जलने से बचाना है और सबकी रोटी पकाना है। ये ठीक है कि नहीं जी। बोलो माता बहन खुश हैं सब। अरे ये तुम्हारा गौरव है, गर्व की बात है जो तुम्हारा गुरु इस तरह के नियम संयम से रहता है। नहीं लाहपड़ुआ बहुत गुरु घूमत है। हाँ, लेकिन ज्यादा उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए वो खतरा भी कर देंगे फिर कि तुम जो उन करे थे तो उन करो, लेकिन हमारे बारे में जो बोली हो तो बोले। तो अपन क्यों लफड़े में फंसे, कोई खोद खादे का जरूरत है, और फिर हमसे ज्यादा तुम खुद ही जानते। तो कहने का मतलब यह है संत को संत जैसे ही रहना चाहिए। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। तुम्हारे कपड़े में खून लग गया, अभी को धोना है तो ये लगे हुए खून के यहाँ खून से धो तो ये धुली की और खून लगते ही चला जाए। तो तुम जबने माया मोहम फंसे हो, वह माया मोहम तुम्हार गुरु फंसा हो, तो तुमका माया मोह छोड़ाई पाई कि और वह दोनों मिलके और फंसे रही हो, क्योंकि जब गुरुए जी फंसे तो तुम्हें का छोड़े।
तो गुरु बिल्कुल माया मोह से मुक्त होना चाहिए, सबका कल्याण कर दे, फिर उनका आशीर्वाद भी फलित होता है, उनमें दिव्य दृष्टि आ जाती है, सबका कल्याण होता है। तो नारद जी की कथा सभी संतों और भक्तों की सावधानी की कथा है। ये जितनी कथा है, रामायण कथा है या राम कथा है, भागवत कथा है, सब सावधानी के लिए है। आइए, नारद जी महान हैं, उनको भगवान ने बचा लिया और नारद जी तपस्वी हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? कह ऋषि नारद नाम हमारा, गो दोहन बिचरों संसारा, सुनि ध्रुव गिरे चरण हर साई, और ऋषि उठाए लियो गोद लगाई। जब ध्रुव ने सुना कि ये नारद जी हैं, संत हैं, नारद भगवान हैं, चरणों में गिर गए ध्रुव, खुश होकर के दंडवत किया, उस बालक को उठा करके अपने हृदय से नारद जी ने लगा लिया कि बच्चे चिंता मत करो, हम सब रास्ता बताएंगे तुमको। अब नारद जी से और ध्रुव की बातचीत चलेगी, रात भर बात करेंगे, कल दिन भर करेंगे, कल शाम को बताएंगे क्या बात फाइनल हुई है। अब दोनों को मिला दिया हमने, अब नारद जी उस बच्चे की रक्षा करेंगे और ध्रुव को भक्ति का तरीका सिखाएंगे और ध्रुव को साधना तप सिखाएंगे और ध्रुव को कहाँ तपस्या करनी वो बताएंगे और किस तरह से आपको भगवान मिलेंगे वो सब नारद जी उनको बताएंगे और नारद जी पूरा आखिरी तक उनको सहारा देंगे। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास भी जाएंगे, नारद जी लक्ष्मी जी से भी कहेंगे जाकर कि आपके पति जी का ध्यान लगा रहा है बच्चा, तो उसकी रक्षा के लिए व्यवस्था करो कुछ। तो देवी स्वरूपा लक्ष्मी वहाँ सिंह रूप धारण करके आएंगी, आस पास में घूमती रहेंगी और नारद जी बच्चा ध्यान लगाएगा, उसकी रक्षा करेंगी, वहाँ पर कोई उसको मार नहीं सकता।